पिथौरागढ़ नगर के लोग इन दिनों नालों में आ रहे दूषित पानी को लेकर परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नालों में मटमैला पानी आना सामान्य बात हो गई है। काफी समय बाद वहां पर पानी तो साफ आया, लेकिन पानी के साथ कीड़े भी घरों में घुस गए। परेशान लोग अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। विभाग और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी लोगों के द्वारा की गई। यहाँ सुबह नलों में पानी की आपूर्ति हुई है, जेएसी रोड में बीसवा स्कूल के पास का है। पहले तो गंदा पानी आता था, लेकिन आज इसमें कीड़े भी आए हैं। ये पीडब्ल्यूडी टैंक से सप्लाई होता है क्षेत्र में, इसको जो है जनता दरबार में समस्या रखी गई है। जल संस्थान का कहना है कि इसको हम दिखाएंगे, चेक करवाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिथौरागढ़ नगर की पेयजल समस्या आज की नहीं काफी पुरानी है। दो सरकार, दो विधानसभा चुनाव के लंबे संघर्ष के बाद इस नगर को पेयजल की एक नई योजना मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पिछले जनवरी के महीने से घरों में दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। विभाग इस ओर गंभीर नहीं है, जबकि पेयजल मंत्री भी इसी विधानसभा से आते हैं। देखिए, ये पिथौरागढ़ की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना दो दो सरकारें बदलने के बाद और पूरा चुनाव भी इस पर पिछले दो चुनाव केंद्रित रहे थे। आज पिथौरागढ़ को जो है घाट ठुलीगाड़ और जो है कुछ बहुत पानी जो है ये आपका आंवला घाट से मिल रहा है। जनवरी माह से लगातार दूषित पानी, मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही। अब नलों में जो है कीड़े आने भी शुरू हो गए, तो कम से कम जन स्वास्थ्य के साथ इस खिलवाड़ को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोगों को शुद्ध पेयजल पिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी का कहना है कि दूषित जल की समस्या को लेकर जल संस्थान को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। ये जल संस्थान को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी आपूर्ति की लाइनें हैं और जहाँ जहाँ से अभी तक भी गंदे पानी या इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका जो गैप है, वहाँ जो लाइन जा रही है उसका गैप आइडेंटिफिकेशन करके अपनी रिपोर्ट देंगे, ताकि अभी इस बार की जिला योजना में भी उसको रखवाने का प्रावधान कर सकते हैं और जो शासन को भेजे गए हैं उनको शासन स्तर से भी परस्यू करेंगे। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।